नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। जैसा कि दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में शहर में शांति व्यवस्था बनी रही, इसके लिए एसएसपी पंकज भट्ट ने सभी थाना प्रभारियों को सार्वजनिक स्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बाजारों में चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में आज हल्द्वानी काठगोदाम में रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल और बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके साथ ही लोगों से, दुकानदारों से कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। आज चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की, अगर उनके आसपास किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि होती हुई नजर आती है तो तुरंत इस बारे में पुलिस को बताएं। दिवाली का पर्व शांतिपूर्वक मनाया जा सके, इसके लिए पुलिस इन दिनों सतर्क हो गई है। जगह जगह जो है वो चेकिंग कर रही है, क्योंकि त्योहारों के दौरान अराजक तत्व एक्टिव हो जाते हैं और शहर में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, या कोई ऐसी गतिविधि जो खुशियों में भंग डाल दे ऐसा ना हो, इसलिए पुलिस ने चेकिंग अभियान जारी रखा है। और लोगों से भी पुलिस ने अपील की है कि किसी भी तरह की गतिविधि होने पर इसकी सूचना पुलिस को दे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।